टीवी न्यूज वालों को क्या अनाप शनाप बोल रहे तू? मेरे लिए जो कुछ भी है, मेरे जीजाजी है, मुझे मेरे जीजाजी का बैंकिंग है, चुनाव में जाने का रास्ता भी मेरे लिए मेरे जीजाजी ने ही चुना है। मैंने तुझे कब कहा कि तू चुनाव में खड़ा हो? अरे माय डियर जीजाजी, वो सब छोड़ो और आप फटाफट कल अहमदाबाद आ जाओ। यहाँ पर बहुत सारे काम है, सब काम आपको ही करने हैं। चुनाव का फॉर्म भरने जाना है, प्रचार का अभियान शुरू करना है। अरे बहुत सारे काम है माय डियर जीजाजी। बापू जी, मैं सच में नहीं जा सकता, दुकान में बहुत काम है। बराबर है, जाना तो पड़ेगा बापू जी। अरे भाई, वक्त पे अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा है? खाना पीना हंस कर जीना, ना कोई फरियाद। जोरदार लोगों का शहर है नाम अहमदाबाद। जीरे जीरे नाम अहमदाबाद। आश्रम रोड से दुनिया में अब कोई नहीं अनजान। साबरमती के संत मोहनदास गांधी जी महान। सीजी रोड ये मॉडर्न अहमदाबाद की है आन। तीन दरवाजा भद्रकाली माता का आह्वान। कांकरिया तालाब देखने आते हैं मेहमान। माणिक चौक और रतनपोल में मस्ती का तूफान। जो भी आए गाता जाए इसके ही गुणगान। अहमदाबाद को मिला हुआ है मस्ती का वरदान। हो जीरे मस्ती का वरदान। हे जीरे, हे जीरे, जीतेगा भाई जीतेगा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा। अहमदाबाद के प्रगति का एक ही नायक। अहमदाबाद का प्रगति का एक ही नायक। आभार आभार आभार। आप सभी कार्यकर्ताओं का सपोर्ट के लिए खूब खूब आभार। माय डियर जीजाजी, बहना और टप्पू अभी तक आए नहीं। एयरपोर्ट पे गाड़ी तो भेजी है ना? हाँ, अभी आते होंगे। हाँ तो लो, आ गए भाई डियर जीजाजी, बहना और टप्पू। ए बैंड बजाओ, शाही सम्मान होना चाहिए। ये बेचारे बैंड वाले खुशी खुशी बैंड बजा तो रहे, लेकिन इनको पता नहीं है जब पेमेंट मांगने जाएंगे तब इनकी भी बैंड बजेगी। क्या शायद मेरी? शुभ शुभ बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। बंद करो। पे 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 पे। आपको मैंने बोला था ना कि आपको जल्दी आना है। देखो प्रचार का कितना काम बाकी है। अरे पर प्लेन लेट हो गया, उसमें मैं क्या करूं? अरे पायलट को मेरा नाम दे देना था, फटाफट उड़ा के ले आता। ओ मेरे, अरे वीरा वहां कहां है? दिखाई नहीं दे रही है। मैंने
इलेक्शन में खड़े रहने का निर्णय मैंने बाद में लिया। फिर माँ को मैंने बहुत फोन लगाया लेकिन माँ को फोन लग ही नहीं रहा है। माँ आएगी तो मैं उसे एक खुशखबर दे दूंगा। अरे हाँ वही। चलो मतलब इस बार भी सासू माँ के दर्शन नहीं होंगे। अरे क्यों के पापा, माँ तो माँ है। हाँ पर कहाँ है? कुलदेवी के दर्शन, दर्शन करने के लिए गई है ना वो। चलो वीरा तुम्हें जिताने के लिए आए। अरे बेरा तुम आ गई, मेरा हौसला बुलंद हो गया। देखना अब मेरी जीत 100% पक्की है। जीजा जी, ये है मेरे एकदम समर्पित समर्थक। ये मुझे चुनाव जिताने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। तन मन का तो पता नहीं लेकिन इन सबका धन जरूर लूट जाने वाला है। भाइयों बहनों, ये है माय डियर जीजा जी, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चुनाव का सही रास्ता दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, ये है माय डियर जीजा जी, जो मुंबई के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के किंग है। भाइयों बहनों, आप लोगों के पास जो मोबाइल है वो सब माय डियर जीजा जी ने स्पॉन्सर किया है। ये बाय 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 बाय। तू तो कह रहा था ना कि मोबाइल का सब हिसाब तो चुकता कर देगा। अरे वो सब मैं दे ही दूंगा जीजा जी। ये क्या है कि मैं यहाँ इन लोगों के सामने आपका वोट जमा रहा हूँ। भाई मुझे अपना वोट दही कुछ नहीं जमाना है, तू मोबाइल का हिसाब क्लियर कर दे, उसमें मेरा सब जम जाएगा। माय डियर जीजा जी कह रहे हैं कि मेरी तारीफ मत करो। मैं तारीफ का भूखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ जलेबी फाफड़ा का भूखा हूँ। माय डियर जीजा जी, आपको हमारे चौक की ऐसी ऐसी आइटमें खिलाऊंगा कि आप मुंबई वापस जाने का नाम ही नहीं लोगे। क्या भाई हो? हाँ हाँ बराबर, खाएंगे भाई खाएंगे, जीजा जी खाएंगे। चलो मेरे फाफड़ा जीजा जी, चलो आपड़ा वापो। मतलब माय डियर जीजा जी ने मोबाइल दिए हैं वो प्यार से वापो। बाय 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 बाय। और जीजे का साला कैसा हो? मर गए सब जीजे। अरे मामा नारोस याद आया, मेहता अंकल ने आपके लिए क्या सॉलिड नारे और स्लोगन लिखे हैं। कहाँ है वो? गाड़ी में रखे, मैं अभी लेकर आता हूँ। जा ए मानो, जल्दी टप्पू के साथ जाओ और फटाफट फोन में लगाना शुरू करो। जाओ जाओ चल 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 मानो चल चल। अरे कहाँ है, दिख रहा है दिख रहा है, फोन भी उठा रहे, कब से चिल्ला रहा हूँ फोन, कहाँ कितने शांति रखो। अरे मेरे 10,000 रुपए कब देगा? अरे मेरे 7,000 का क्या हुआ भाई? अरे मेरे 5,000 का क्या हुआ भाई? अरे तूने पैसे देने का आज वादा किया था, कब देगा हमारा पैसे, कब देगा? देखा, ये लोग सुंदर का हौसला बढ़ाने नहीं आए, सुंदर का घोंसला तोड़ने आए हैं। क्या फॉरेन में बने हैं कान? नहीं पर समझ में नहीं आया क्या जो काम की बात होती है, वो समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं देती है। इनका भी पिता मैं सच में नहीं समझ में। अगर ऐसी ही बात है तो मैं चुनाव में खड़ा नहीं रहता हूँ बस। सुंदर भाई ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ भैया। वही कि चुनाव में नहीं खड़ा रहने वाला है समाज। सुंदर भाई क्यों? तो भक्का मैं क्या बोलूं? मैं इन सब लोगों का फायदा कराने का सोच रहा हूँ, तो ये सब लोगों के पिन 4,000-5,000 में अटकी हुई है। आज सुबह ही मैंने सोचा था कि जिन जिन लोगों के पास से मैंने उधारी ली है
उन लोगों को मैं ऐसा फायदा कराऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आप लोगों को अपना फायदा करवाना ही नहीं है तो मेरे कितने टके बोलो। और सब लोगों की कितनी उधारी बाकी है लिस्ट दे दो मुझे, अभी चेक फाड़ देता हूँ। इलेक्शन के बीच में मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। सुंदर तू टेंशन मत ले, बिंदास सुने वाला, हम सब तुम्हारे साथ है। हाँ हम सब तुम्हारे साथ है। दोस्तों जहां तक मेरा अनुभव है चुनाव नारेबाजी से नहीं जीता जाता, चुनाव जीतने के लिए तन मन धन और फंड चाहिए। मैं तो कहता हूँ उल्टा आप सब लोग मेरे लिए फंड दे, आपकी ओर से कुछ ना कुछ मेरे चुनाव फंड में लिखवाए। हाँ हम पैसे देंगे। नहीं, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जिसकी जिसकी जितनी उधारी है वो सब मैं आपकी ओर से चुनाव फंड में लिख लेता हूँ। चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। तो आज से इसी क्षण से सब उधारी खत्म, बराबर? हाँ बराबर बराबर। और एक बात, अगर आप में से कोई स्वेच्छा से चुनाव फंड के लिए दान देना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। दोस्तों शर्माओ मत, आगे आओ, यही मौका है। मैं सुंदरलाल आप सब लोगों को वचन देता हूँ कि जो जितना फंड ज्यादा देगा चुनाव जीतने के बाद सुंदरलाल उसे उतना ही ज्यादा फायदा कराएगा। मेरे तरफ से 20,000, मेरी तरफ से 10,000 का फंड, मेरी तरफ से 12,000, मेरी तरफ से 5,000 का फंड, मेरी तरफ से 30,000। बका जो जो जितना पैसा देना चाहता है फटाफट जमा कर ले और उन सबको रसीद दे दे और सब पैसा आपको दे दू। नहीं मैं पैसों को आज भी नहीं लगाता, सब पैसे तुम जीजा जी को दे दो। आज से जीजा जी मेरे कोषाध्यक्ष, चुनाव का सब हिसाब किताब माय डियर जीजा जी रखेंगे। ठीक है सुंदर भाई, जिनको भी चुनाव के लिए खर्चा पानी चाहिए वो सब माय डियर जीजा जी के पास से ले लेना। अरे भाई तो मुझे कहाँ लपेटे में ले रहा है, नहीं नहीं मैं हिसाब किताब नहीं रख सकता, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है चुनाव का कुछ। टप्पू के पापा सुंदर वीरा को भी चुनाव का कहाँ अनुभव है? माय डियर जीजा जी चुनाव का हिसाब किताब रखने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं होती है, प्रामाणिकता की जरूरत होती है और प्रामाणिकता आप में ठूस ठूस कर भरी हुई है, इसीलिए मैंने आपको मेरा कोषाध्यक्ष चुना है। और जीजा जी चुनाव रोज रोज नहीं आता है, 5 साल में एक बार आता है, इसलिए आप दिल खोल के खर्चा करना, बिल्कुल कंजूसाई मत करना और ऐसा लगे कि पैसा कम पड़ा है तो थोड़ा जेब में से डाल देना, बाद में हिसाब समझ लेंगे। मुझे पता था ये घूम फिर के कुंडाड़ा मेरे ऊपर ही आएगा, इसलिए मैं कोषाध्यक्ष बनना नहीं चाहता भाई। आपको ये बनना पड़ेगा। अरे बका चल फटाफट तू चुनाव का प्रचार की रैली की तैयारियां शुरू कर दे, और बेना तुम फटाफट प्रचार के लिए माय डियर जीजा जी को तैयार करो। हां ठीक है भैया। और सब लोग अपने अपने कार्य में जुट जाओ। बाय 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 बाय। हमारे नेता कैसा है? हमारे नेता कैसा है? पता ही तो क्या मस्त लग रहे टप्पू के पापा, क्या मस्त लग रहे। मैं थोड़ी चुनाव में खड़ा हूँ जो ऐसे नेता जैसे कपड़ा मुझे पहना दिए। अरे टप्पू के पापा आप चुनाव में नहीं खड़े हैं, लेकिन सुंदर वीरा तो चुनाव में खड़ा है ना। और देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है कपड़े हमेशा प्रसंग के अनुसार पहनने चाहिए, और आज के प्रसंग के अनुसार ये कपड़े एकदम सही है। और दूसरा क्या है टप्पू के पापा, आप चुनाव प्रचार में सुंदर हीरा के बाजू में खड़े रहेंगे और आपने ऐसे वैसे कैसे भी कपड़े पहने होंगे तो लोग कहेंगे कि ये कौन पर्यटक झूलता मीनारा देखते देखते चुनाव प्रचार में घुस गया है। टप्पू के पापा आईने में झांक के देखिए, सुंदर हीरा से ज्यादा तो आप नेता लग रहे हैं। काम धंधा छोड़ के धंधे पे लगा दिया तेरे वीरा ने। मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा कितनी देर, सुंदर मामा कब से रहा देख रहे,
आज प्रचार का पहला दिन है और पहले दिन ही लेट हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? तैयारी है, आ रहे हैं, अभी तो जा। ठीक है ठीक है, मुझे जल्दी 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 चलिए चलिए। अरे क्या चलिए? मत चलिए। अरे नहीं नहीं, चलिए हम दोनों ही चलेंगे, लेकिन चलते चलते एक मेन चीज तो आप भूल ही गए। क्या? टोपी। सुंदर वीरा के चुनाव की निशानी। हाँ मैं पहन लेता हूँ। चलिए जल्दी चलिए। तो तेरा सुंदर वीरा पूरे अहमदाबाद को टोपी पहनाने वाला है। जी, आप भी हाथ जोड़कर वोट मांगे ना, चौपाटी पर तेल ने निकले हो, ऐसे क्यों चल रहे? लगे नारे लगाइए। गली गली में शोर है, सुंदर लाल जोर है। हम लोग रैली में निकले, तू पानी के रेले की तरह कहाँ कहीं में घुस जा रही है। अरे टोपू के पापा, एक तो सुंदर वीरा चुनाव में खड़ा है और दूसरी बाजू गरबा की धुन बजी, इसलिए मैं अपने आप को ट्रंक कॉल नहीं कर पाई। तेरा तेरा ट्रंक कॉल छोड़ और तेरा वीरा कवरेज के बाहर निकल गया है, उसको पकड़। ये नारे सुन सुन के कान पक गए मेरे। जाने दो सबको आगे, जाने दो। अरे वो टोपी वाले भाई, ये सुंदर कहाँ इलेक्शन में खड़ा हो गया? एक अच्छा भला नेता सालों से काम कर रहा है, उसका वोट तोड़ेगा? तुम सुंदर के साथ हो? नहीं नहीं, मैं तो बाजू की पौड़ में रहता हूँ। वो हमारी पौड़ में वेशभूषा हरीफ आई थी तो उसमें नेता बना था, इसलिए ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। तो ठीक है। जीतेगा भाई, जीतेगा। एक मिनट जरा भाई, तू मुझे बात करनी है जरा। अरे जीजा जी, ये बात करने का टाइम नहीं है, सुनाओ आने का टाइम है, सुनाओ। ए सुंदर, तू सबको टोपी घुमाता है, तू क्या हमारा काम करेगा? तू तो अच्छे उम्मीदवार का वोट तोड़ने के लिए खड़ा है। अरे तू क्या हमारी समस्या सुधारेगा? अरे चल निकल हमारी पोर्ट से, निकल। Come on!
की गई, रंग दिया गया, उन्हें विरोध हुआ। दोस्तों संस्कृत में एक वाक्य है, प्रथम ग्रासे मक्षिका पातम, यानी कि आप खाना खाने बैठे और पहले ही निवाले में कोई मक्खी या कीड़ा गिर जाए, यानी कि काम प्रारंभ करते ही गुड़ गोबर हो जाए। यही तो हुआ है जेठालाल के साथ। अभी तो सुंदरलाल का चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ है और ऊपर से ही फेंक दी गई। अब देखते हैं यहाँ कितने हंगामे होते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ जितने भी हंगामे होंगे आपके घरों में तो ऐसी होगी। अभी तो स्याही फेंकी गई, आगे देखिए होता है क्या। सोचिए कि इस चुनाव प्रचार में क्या क्या हो सकता है और हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।